इस साइकिल लेके ऊपर कहाँ जा रहा है? सारे घर को शोर बना दे, ऊपर साइकिल ही रखनी, मैं तेरे को बोला है। अरे रखने धोने जा रहा हूँ, ऊपर कुछ और करने जा रहा हूँ मैं। क्या करने जा रहा है? नीचे ले गया साइकिल को, वापस कर, मैंने बोला है तेरे को। बचपन में तू ऐसे साइकिल नीचे फेंक देता था, सामान सारा फेंक देता था, नीचे कर। छोड़ूंगी नहीं, पापा को फोन कर रही हूँ अभी मैं, बहुत हो गया तेरा। हे गाइस, दिस फैब्रिक वेबो। वेल, आजकल आप लोग देखते हैं कि काफी ऐसी साइकिल्स होते हैं टूट जाती हैं। नो मैटर द प्राइस क्या होता है उसका, महंगी होती है 1 लाख की भी टूट जाती है, सस्ती होती है 5 हज़ार की भी टूट जाती है। सो आज हम यही टेस्टिंग करेंगे कि आजकल क्या मॉडर्न बाइसाइकिल में वर्थ है कि लेना कि नहीं। सबसे पहले मैं सोचा था कि मैं साइकिल मंगा लूं, फिर देन आई थॉट अगर उसका फ्रेम क्रैक हो गया तो भाई मेरे भी बात आ जानी है। फिर मैंने सोचा किसकी मंगानी चाहिए, बहुत ही मुश्किल से मैंने फिटर को कन्विंस किया कि मुझे एक साइकिल दे दो, एंड एक गुड कॉज के लिए होगा, बिकॉज इसके बाद मैं गिव अवे भी करने वाला हूं साइकिल का। सो आज हम यही टेस्ट करने वाले, सारी चीजें जो हमारी होगी टेस्टिंग होगी वो प्रैक्टिकल होगी कि क्या क्या चीजें एक मॉडर्न साइकिल सह सकती है। नाउ द बाइसाइकिल दैट वी हैव टुडे, दिस इज द फिटर स्क्रैम्बलर। इसमें आपको टैन वॉल टायर मिल जाते हैं, सिंगल स्पीड आपको पीछे ड्राइव ट्रेन मिलती है, ड्यूअल डिस्क ब्रेक मिलती है, इवन एक सस्पेंशन भी मिल जाता है। भाई इसकी तो गंदी टेस्टिंग करनी। And this is the Nadogiri edition that I have over here. Generally, जब भी bicycle लेते हैं, सबसे पहले आपको यही doubt होता है कि यार इसकी chain तो नहीं निकल जाएगी। ये नहीं सोचा था कि इतना भी जाएगा। इसके जो levers हैं ना, ये हमें delay करने थे। पिछले बार मैंने video में भी कहा है। तो आप अगर नई साइकिल लेते हैं इनको थोड़ा सा डीलर रखा करो, अगर आपका क्रैश हो गया तो भाई ये टूटते हैं बहुत पहले। नाउ द सेकंड टेस्ट हम एक और चीज करेंगे, आपकी जो जनरली बाइसाइकिल होता है आपको ये डर लगता है कि अभी स्टैंड में लगी हुई है, तो इस तरफ गिरेगी, ओके उस तरफ गिरेगी तो क्या नुकसान होगा, तो हम वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ग्रिप यहां से फटी है, ग्रिप फटी है। फटी है? हां जी। हाँ, ये मैं नोटिस ही नहीं किया। सो अगर ये गियर वेल साइकिल होती है इसमें नुकसान ज्यादा होता है, ये सिंगल स्पीड है इसलिए बच गई है। फॉर द नेक्स्ट टेस्ट आई नो कि काफी ऐसे लोग हैं जो व्हीली बहुत करते हैं एंड उनको डर यही लगता है भाई अगर व्हीली हमारी फेल हो गई साइकिल का क्या होगा, तो अब हम यही टेस्ट करेंगे, व्हीली करेंगे, ओवर शूट करेंगे। 3, 2, 1 सीट ने रोक दिया, मतलब एक तरीके से आगे जाने से एक सीट लग रहा है। हैंडल बार टच पॉइंट देख लो ना, ये इसका आते हैं शायद। अच्छा नहीं आए हैं, ठीक है, यहाँ भी नाम नाम के हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट होगा कि हम स्टॉप ही करें, एंड स्टॉप ही करते करते आपको भाई मैं खुद नहीं गिरने वाला पहले बता रहा हूँ। अब स्टॉप ही करते करते दो दिक्कतें आती है, जब कि साइकिल होती है ना वो पलट जाती है, एंड पलटते ही आपको जो टायर है लेफ्ट या राइट होएगा, एंड वो लेफ्ट राइट हुआ तो उसमें सारी वो हो जाता है रोटेशन। रेडी एंड दूसरा स्ट्रीट ऑलमोस्ट स्ट्रेट, फटी तो पहले सी हुई थी थोड़ी सी है, कैमरा अलग हिल गया हमारा यहाँ पर। यही तूने सही कहा, ये ज्यादा डैश हो रहा है, और कुछ हुआ नुकसान नहीं ना? मेजर तो यार इसका, हाँ इसका देखते हैं, व्हील सही डिस्क से आवाज आ रही है, लेकिन देखते हैं ठीक होगी कि नहीं। हाँ डिस्क स्टेडी है थोड़ी सी, देख काम तो ठीक कर रही है ब्रेक्स, लेकिन आवाज़ आ रही है। तो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट कि अगर आपकी बाइसाइकिल रोक हो जाती है, आपके हाथ से छूट जाते किसी भी एंगल से, तो हम वो टेस्टिंग करेंगे। 17, 20, 25 अरे 26 2, 1 छोड़ दी, 2, 1 छोड़ दी, भाई यहाँ नहीं जाना था, छोड़ दी भाई यहाँ नहीं जाना था। ओ भाई आवाज बड़ी तगड़ी है, मेरे को तो उधर जाएगी। बाय द वे हम बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, ये जरूर श्योर करें कि 100 मीटर से कोई भी गाड़ी ना हो। अब देखिए नुकसान क्या क्या हुआ है, एक तो यहाँ पर देख थोड़ा सा स्क्रैच आया है, एंड हेड ऑन कोलिजन था ना, राइट वो गया भी तो किसमें है ये भी तो देखो। गाड़ियाँ जब जाती है तो गाड़ियाँ नहीं बचती इसमें है। और टायर देखे मुड़ा की नहीं, सामने वाला ठीक, पीछे वाला सही हो गया क्या, क्या हो रहा है ये, पीछे वाला ठुके सही हो गया क्या है ये साइकिल, सस्पेंशन प्रेस करना और लुक हैंडल टेढ़ा हुआ थोड़ा सा। हाँ हेडसेट वगैरह सही है, एक सेकंड, हाँ वही पुराने वाला हाल है, ठीक है चलने में मतलब ओवरऑल वही है, परफेक्ट है अभी भी, ऐसे बेटर होगी। जस्ट मेकिंग श्योर हम एक और बार टेक टू कर रहे हैं, बिकॉज हमें लगा था भाई उधर जाएगी, जा इधर गई। 18, 19, 21, 25 ओके, वो बंदा भी देखा क्या हो रहा है, ले बेटा बाय।
क्या जम मारी है? पर उठ गई थी। हाँ, काम हो गया। अब हुआ असली इम्पैक्ट। अच्छा हैंडल बार निकल गया। हाँ। जम करी है, मैंने देखा इसको। पूरा ये अरे तुम। पहले हैंडल सीधा करो उसका मैं। पूछो देखा भैया ये देख रहे क्या चक्कर है भाई ये क्या चल रहा है इनका क्यों कर रहे हैं कुत्ते के लगे खुद ही तोड़ रहे ये कोई और टेस्ट कर रहे होगे देख थोड़ी हिली भी तो लग रही है पहले से लेकिन चल रही है प्रॉपर ये हैंडल बार के अंदर मिट्टी जम चुकी है जिस तरीके से आपने वो ठोका था ना उसको मिट्टी में बैक टू नॉर्मल हो गया ठीक तो मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग साइकिल और एक टूल बार टूल किट चाहिए भाई ये इंटेंशनल नहीं था ये गलती एक और टेस्ट कर दी भाई मजाक नहीं वीडियो ऑन है सड़क में इंपैक्ट आया मान या मान ना मान ये देख ये फिर से ट्राई करें फिर से ट्राई करें मतलब ये टेस्ट थोड़ी था यार यार फिर भी देखना इधर नीचे दिखा वो उस पे देखना कोई बेंड क्रैक वगैरह हुआ है कुछ नहीं वही का वही है तो सड़क तोड़ रहा है कौन सी साइकिल ले दी है इन्होंने आपको एक्सपेक्टेड था अभी तक झेल लेगी सच बताऊं मेरे को स्टॉपिंग व्हीली तक था कि थोड़ा बहुत चल रहेगी उसकी वजह से वो वॉबल मारने लग गए ना मैंने कहा अपनी सर्वाइव करेगी और वो तो बिल्कुल नहीं मेरे को इस क्रैश के बाद जो हमने अभी करा है मेरे को इसके बाद लगा था कि मैंने कहा चलने लायक नहीं बचेगी टेस्ट हम फिर भी कर पाएंगे बट चलने लायक नहीं बचेगी आपने चला के बोला ना कि नहीं अभी भी नॉर्मली लग रही है भाई हैंडल पर बाहर आ गया था यार एट दिस पॉइंट आपको लग रहा होगा कि कई बार क्या होता है रेसेस में लोग जाते हैं तो अगर आप रेस हार जाते हैं तो उस टाइम पे बड़ा यार रोना शोना आ जाता है तो उसके लिए हम ये जो शूज लाए हैं वही यूज करेंगे आपको याद होगा बहुत पहले मेरे पास इनडिस्ट्रक्टेबल शूज आए थे इनके अंदर ना स्टील की प्लेटिंग होती है खाना क्या है के स्टील है हाँ यहाँ पर कुछ है पार्ट जैसे मैंने आपको बताया रेस आ जाते हैं ये आपको अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए आपको ये शूज लाने पड़ेंगे स्पेशली एंड देखे साइकिल को मारना पड़ेगा गलत लगा ऐसे ही मारते हैं ये ज्यादा हो गया यार अब तो इतना तो कोई नहीं करेगा यार ब्रेक लीवर डेढ़ा हाँ ब्रेक लीवर वो गिरने से हुआ होगा टेंशन चल रही है ठीक है 3, 2, 1 आज पास दिखा ये आया स्क्रैच हाँ ये है ना ये हो गया मेरे चीज ये फिर से करेंगे यार मजा नहीं आया अब कहाँ मारे इस पे मारे सैंक्शन पे मजा आ जाएगा 3, 2, 1 क्या जाए कहाँ ये रहा नीचे स्क्रैच है मिट्टी हल्का सा थोड़ा सा थैंक गॉड आया तो सही अब चेस करते हैं अब हुआ ना टेस्टिंग ठीक ही काम कर रहा है टाइट हुआ कुछ या कुछ लगा सेम है अभी भी सही है ओ तेरी स्टैंड खुला हुआ ये भी ठीक है टेस्टिंग हो रही है स्टैंड लगा के क्यों राइड कर रहे हो मजा आ रहा है मुझे ब्रेक्स वगैरह सही है अभी भी सब सामने की ढीली हुई है थोड़ी नहीं सॉरी पीछे की है ये तो नाम की ढीली हुई है लेकिन जल तो ठीक रही है पूरी चल रही है स्किप तो मार रही है और सस्पेंशन वो ठीक है एक रेफरेंस के लिए बारी कुछ करना कि किसी पत्थर पे पैर मारना है वैसा भाई शूज रेफरेंस के लिए शूज गाड़ी चलाई थी मैंने शूज पे अच्छा अभी के लिए कर दो ना एक पत्थर से वैसे ड्रॉप कर दो 3, 2, 1 वंस मोर मजा आ रहा है मजाक नहीं इसका मतलब सही में शूज वो है अरे फिर से वंस मोर एक मिनट मैं भी ट्राई करता हूँ एक सेकंड आपका हो सकता है स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाए रोड एक्सीडेंट हो जाए लेकिन स्कूटी तो हमारे पास है नहीं और हम दूसरी साइकिल तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं नहीं तो हम यहाँ पे हैमर टेस्ट कर रहे हैं इसको सीधा सस्पेंशन में देके मारेंगे कि क्या अगर स्कूटी से इंपैक्ट होता तो कैसा रिएक्शन आएगा यहाँ मारूंगा एक्सी पे सीधा स्टिकर पे 3, 2, 1 वो डेंट आ गया दो बार इंपैक्ट यार तीन बार चार बार थोड़ी ठोक देगी यार स्कूटी क्या कर रहे हो यार आप पीछे चार बार थोड़ी ठोकेगी वो धीरे धीरे पीछे की ब्रेक खत्म हो रही है अब और ढीली हुई पड़ी है सही है बिल्कुल ठीक है सस्पेंशन बिल्कुल ठीक है क्या मजाक है एक और आइडिया मेरे पास हाँ। एक बार बैट मार दो बहुत तेज जस्ट फॉर रेफरेंस एक बार इसको रोड पे मार लो कि हाँ मेरे में बैट कितना है यहाँ करें हाँ आप किसी पत्थर को तोड़ देते हैं क्या बात करें टूट गया ये एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से कई बार आपको क्या होता है लड़कियों से ब्रेकअप हो जाता है गर्लफ्रेंड से फिर वो रोग हो जाती है बहुत गुस्सा आता है उनको एंड वो आपकी साइकिल तोड़ेगी यहाँ मारेंगे सबसे पहले फ्रंट में भाई देख के कुछ इंपैक्ट नहीं आया दिखा दे जीरो नहीं आया लिटरली स्क्रैच भी नहीं है अब गर्लफ्रेंड मारेगी तुम्हारी यहाँ पर एक मिनट भाई पर्स पर्स नहीं है क्या पर्स मारते हैं ना वो ठीक है रेडी अरे डेंट आया यहाँ थोड़ा सा डेंट आया दिखा ना ओ भाई भाई इंपैक्ट आया यहाँ दिख नहीं रहा ये तो पुराना है पता नहीं कौन सा ये तो पहले की है फिर तो वही है कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहा होगा तभी ऐसे डेंट पड़ेंगे ऐसे तो नहीं मार भाई बैट तोड़ दिया भाई गर्लफ्रेंड है गुस्से में फुल और लाइए पत्थर
गाड़ी पे होता तो शीशा फूटता ऐसे मारे। सॉरी गर्लफ्रेंड का एक अच्छा नहीं। अब लेफ्टी हो राइटी हो? मैं लेफ्टी हूँ भाई। ओ तेरी लगा लगा लगा, देखते पहली बार तो लगा नहीं था। हाँ ये आया, इम्पैक्ट भी आया। आप में से काफी लोग मुझे ये पूछते हैं कि बारिश में क्या साइकिल खराब हो सकती है कि नहीं, हमें पानी से साइकिल धोनी चाहिए कि नहीं, कैसे कुछ खराब होने वाली चीज होती है हमें साइकिल में पानी से। हम यहाँ पर आए हैं, इसको एक्चुअल में झोड़ कहते हैं या फिर लेक कहते हैं, जो भी कह लो, यहाँ भैंसें भी नहाती हैं एंड सारा सबसे गंदा पानी यहीं पर होता है एंड सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी क्या कर रहा है, साइकिल भी यहीं नहीं, यहीं नहीं, एग्जैक्टली। रस्सी अलग से बांध दिया, वापस भी लाना है भाई। 2-1 गो। अभी तो पानी गहरा ही नहीं है, हालांकि इकट्ठा होगा। ये क्यों हो गया? ओ भाई ओ गंदा पानी, ओ गंदा पानी, डीप ही नहीं आया, तो भारी लग रही है भाई। बट गीली तो हो गई है वैसे पूरी साइकिल, देखो हाँ। फ्रेम तो पूरे ही गीला है, वो देखो ना पानी गिर रहा है उसमें से यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लेकिन ये लास्ट टेस्ट नहीं है, इसके बाद भी एक टेस्ट है जो आपने स्टार्ट में देखा होगा। अच्छी खासी साइकिल थी, साफ सुथरी। अरे यार इसकी इंस्टा की गिव अवे पोस्ट डालनी थी मैंने, यहाँ साफ करूंगा मैं, घर जाके कर लेंगे। हमने सारी सारी टेस्टिंग वेस्टिंग कर दी है इसकी, परफेक्ट है अभी तक साइकिल ये। एंड हमने एक लास्ट टेस्टिंग जो करी है, जो कि हमने बहुत पहले करी थी, दैट इज फर्स्ट वो से फेंकना। अगर बाई चांस आपकी साइकिल गिर जाती है बालकनी से, किसी ने रखा, कोई बंदर आ गया उसने फेंक दिया, तो उस पर कैसा इम्पैक्ट आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले मुझे यहाँ स्क्रैच दिखा है, ये बाद में मुझे बताया मेरे कैमरामैन ने कि पहले से लगा हुआ था। यहाँ पर मुझे एक स्क्रैच दिखा, यहाँ देख कहाँ गया, ये चिप ऑफ है, ऐसे कोई मैकेनिकल फेलियर तो नहीं लग रहा। वो टायर घुमा के देखते हैं, यहाँ है निशान, यहाँ दिखा पास से आ, ये ब्रेक लीवर पे गिरी है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। शायद आपको पता लग गया होगा कि कैसे हमने टेस्टिंग करी बाइसाइकिल की रियल लाइफ वाली, कि क्या आपकी बाइसाइकिल सर्वाइव कर सकती है कि नहीं। आई थिंक आजकल की जो मॉडर्न बाइसाइकिल्स होती है वो हर चीज सर्वाइव कर सकती है, बस आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी की बाइसाइकिल लेनी चाहिए। जैसे अगर आप ये देखेंगे मॉडर्न ज्योमेट्री की है, एंड मैं इस पॉइंट पे बोल देता हूँ, समझ लो आपको 10,000 रुपीज वाली गियर वाली बाइसाइकिल होती है, वो शायद सर्वाइव ना कर पाए ऐसे टेस्ट को, बिकॉज थोड़े से लोअर क्वालिटी की मटेरियल से बनी होती है। कॉस्ट कटिंग हाँ ऑब्वियसली उसमें होती है, बहुत होती है। एंड अगर आप समझ लो कहीं ऐसी बाइसाइकिल भी होती है 50-60,000 रुपए की, उनके फ्रेम क्रैक हो जाते हैं, तो वो भी कई बार सर्वाइव नहीं कर पाती है। सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है कि कंपनी उसको रिप्लेसमेंट नहीं करती। एंड जब भी आप नेक्स्ट बाइसाइकिल अपने परचेज करें, तो एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप जाएं शोरूम में पर्टिकुलरली बाइसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी टेस्ट कर लें, क्या वो कच्ची बाइसाइकिल की तो नहीं है, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मॉडर्न बाइसाइकिल होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन हमेशा रिव्यूज चेक करने चाहिए, एंड ये चेक करना चाहिए कि क्या बिल्ड क्वालिटी के बारे में लोग कह रहे हैं, क्या उनकी बाइसाइकिल अच्छी चल रही है कि नहीं। लॉन्ग टर्म रिव्यू बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। एंड द लास्ट थिंग शुड बी, इट शुड बी फ्रॉम अ रेप्यूटेड ब्रांड। अगर इधर उधर के ब्रांड आप लोगे तो ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी के इश्यूज तो उसमें आते ही रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं। इवन अगर आपको फिट ट्रिप की और भी मॉडल्स चेकआउट करने हैं, जो सारी चीजें होंगी मैं वेबसाइट के लिंक भी दे दूंगा, एंड इवन फिट ट्रिप के मैंने काफी बाइसाइकिल्स भी रिव्यू करेंगे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता लगे बैक टेस्ट कैसा होता है, कैसे हम टेस्टिंग करते हैं एक्सट्रीम टेस्टिंग टाइप की, एंड क्या उनकी साइकिल सर्वाइव कर सकती है कि नहीं। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक फिट ट्रिप फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइसाइकिल। इतना रिस्क लेना भाई कम बात नहीं होती है। एंड यस, ऐसा नहीं है कि हम साइकिल को वेस्ट करने वाले हैं, हम इस बाइसाइकिल ग्रुप पे करने वाले हैं ऑन माय इंस्टाग्राम, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक करके गिव अवे करने वाले, हाँ भाई ठीक करके, हाँ सॉरी बताना भूल गया मैं। हाँ, जो भी जरूरतमंद होगा ना आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जिसके भी सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे उनको मैं करूंगा। लेकिन एक इसमें कैच है कि हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही इसको गिव अवे करने वाले हैं। द रीजन इज दैट मैं पर्सनली इसको शायद देने जाऊंगा, तो बेटर रहेगा कि जो पर्सन है उसको नीडी है उसी को ये मिले। अब उसके बारे में बता सकते हैं ऑन द इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसको भी सबसे ज्यादा लाइक्स आएगी जैसे मैंने बताया उसको एक बाइक गिव अवे हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। दिस इज फैट बिक वैभव साइनिंग ऑफ। साइकिल भी तो लेके जानी है यार, अब तो निकल गए थे बिल्कुल ही। मम्मा आ जाना जब मन करे। ये सारी सीढ़ी ऊपर, सॉरी दोबारा देखियो मत, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, पापा को फोन कर रही हूँ अभी मैं, पड़ोसी भी आ गए फर्क तो लगे था। बस कहना नहीं मानना, इसने बिगड़ चुका है सारा का सारा। बिहाइंड द सीन्स ट्राइसाइकिल, माँ दा सिर 3-4 साल का था, कभी ऊपर झाड़ू फेंक देता था, कभी कुछ फेंकता था, कभी एक दिन ट्राइसाइकिल फेंक दी, हमने उठा के ना कूलर के ऊपर सारा सामान रखना शुरू कर दिया कि इसका हाथ ना पहुंचे, फिर इसने एक दिन क्या किया अपना कचरा उतार के फेंक दिया। फेंकना तो था ही कुछ ना कुछ, मजा आता था मेरे को। तो अब सब्सक्राइबर को कहूंगी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे लिखे कच्चा कुछ।